हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आईक्यू Z5 के बारे में। बट इससे पहले मैं शुरू करूँ, लेट्स हैव अ लुक एट द बॉक्स फर्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे मिडनाइट ब्लू कलर में आपको बॉक्स मिल रहा है, काफ़ी मिनिमल है। आपको सेंटर में आईक्यू की ब्रांडिंग दिख रही है, और अगर हम लोग पीछे जाएँ तो यू कैन सी दैट इट प्रोवाइड्स यू द फोन इज ऑफ मिस्टेक स्पेस कलर एंड इट प्रोवाइड्स यू 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज स्पेस। सो अब मैं आपके पेशेंस का टेस्ट और नहीं लूँगा एंड आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द अनबॉक्सिंग राइट अवे। Wow, as you can see, it has a very sleek design, काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन दिया उन्होंने अपने बॉक्स को। एंड मूविंग ऑन, यू हैव अ कार्डबोर्ड इंक्लोजिंग राइट ओवर हियर, एंड इस कार्डबोर्ड इंक्लोजिंग के अंदर आपको मिलता है एक सिलिकन बैक कवर, एंड देर आर सम डॉक्यूमेंट्स टू, सो देर इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड। और उसके अलावा आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड भी मिलती है, लेट मी जस्ट टेक इट आउट फॉर यू। So there's an important information in warranty card, and ये रही आपकी quick start guide. There you go. Moving on, we have our main unit right over here. एक बार मैं निकाल देता हूँ इसको. There you go. So like I've mentioned, it's of a very nice mystic space color, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा mystic space color है इसका। And अभी I'll just switch it on for you, and तब तक आप boot speed check कर सकते हैं। And in the meantime, I'll talk about other things present in the box. There you go. So there's a charging adapter right over here. एंड एज पर द स्पेसिफिकेशंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमको 11 watts एंड 4 ampere का है। सो बेसिकली इट्स अ 44 watts फास्ट चार्जर व्हेन यू लुक एट इट। मूविंग ऑन टू सपोर्ट दैट चार्जर, उन्होंने आपको एक USB केबल भी प्रोवाइड किया है। उन्होंने देखते हैं कौन सा वाला है, इट्स आई थिंक इट्स अ सी टाइप बिकॉज ऑब्वियसली यू नो द फोन इज ऑफ सी टाइप। एंड देयर यू गो, देयर इज द USB केबल राइट ओवर हियर। Moving on, lastly you have a SIM ejection tool. There you go, यार आपका SIM ejection tool. तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये सब आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, दीज आर ऑल द बॉक्स कंटेंट। अब बात करते हैं हमारे मेन यूनिट के बारे में, दैट इज द आईक्यू Z5। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट हैज़ अ पॉलीकार्बोनेट बॉडी, काफ़ी देर इज़ अ वेरी नाइस टेक्सचर, काफ़ी अच्छा एक टेक्सचर मिलेगा आपको पीछे। एंड जैसा मैंने बोला, इट्स ऑफ यू नो मिडनाइट स्पेस कलर। मूविंग ऑन, यू विल फाइंड अ ट्रिपल कैमरा सेटअप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, एंड मूविंग ऑन टू द राइट आपको वहाँ पे पावर बटन मिलेगा, एंड दिस इज ऑल्सो अ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, सो बेसिकली यू कैन एक्सेस इट यूजिंग योर थंब। एंड उसके ठीक ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे। मूविंग ऑन, लेफ्ट हैंड साइड में वो कुछ नहीं मिलने वाला है। टॉप में भी आपको एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा, एंड उसके नीचे एट द बॉटम यू विल फाइंड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड द सिम कार्ड स्लॉट, एंड एट द सेंटर देर इज द सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, एंड उसके राइट हैंड साइड में आपको स्पीकर्स मिलेंगे। एंड अगर बात करें जाए इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ पंच होल नॉच फ्रंट कैमरा राइट ओवर हेयर। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करी जाए, तो ये फ़ोन आपको 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देता है, एंड बेसिकली इट आल्सो प्रोवाइड्स यू विद अ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफ 85.0%। और अगर उस डिस्प्ले में प्रोटेक्शन के बारे में बोले, तो ये आपको पांडा ग्लास प्रोवाइड करता है। Now talking about the platform of the phone, basically अगर हम इसके कोर के बारे में जाने, तो ये फ़ोन आपको Qualcomm Snapdragon 778G 5G octa-core processor देता है, and it also provides you with a clock speed of 2.4 GHz. This phone runs on Android 11 and it also provides you with a battery of 5000 mAh. तो चलिए इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, they provide you with a triple camera setup. So there is a 64 MP main camera, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP मैक्रो कैमरा। एंड अगर मैं इसके कैमरा के बारे में बात करूं, मैं आपको कुछ फोटोज खींच के दिखाता हूं, सो दैट यू कैन जज फॉर योरसेल्फ। आई विल नॉट यू नो गो इनटू द डिटेल्स अबाउट द कैमरा राइट नाउ, क्योंकि दिस इज नॉट अ रिव्यू, अभी हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन कर रहे हैं। सो बेसिकली आई विल लेट यू बी द जज ओवर हियर, सो आई विल जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस बॉक्स राइट ओवर हियर। मैं एक फ़ोटो इसका ज़रा मैं प्रो मोड से भी लेता हूँ, बिकॉज आई लाइक क्लिकिंग फोटोज़ यूजिंग प्रो मोड।
तो ये कुछ फोटोज है जो मैंने इसके नॉर्मल मोड से खींची है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइटिंग थोड़ी ज्यादा हार्श है, तो इसलिए मैंने एक फोटो का प्रो मोड से भी लिया है, विच आई प्रेफर, आई ऑलवेज प्रेफर क्लिकिंग फोटोज यूजिंग प्रो मोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस हिसाब से मैंने सेटिंग्स चेंज करके आई क्लिक्ड अ फोटो राइट ओवर हियर, सो यू कैन जस्ट द कैमरा लुकिंग एट दीज फोटोज। Moving on, speaking about the front camera, the phone provides you with a 16 megapixel front camera and jaisa ki maine bol rakha hai, there's a punch hole notch for the front camera. I'll just click some photos from the front camera too so that you can get an idea, so just hold on a sec. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने फ्रंट कैमरा से ली है, एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सेस प्रो मोड इन फ्रंट कैमरा, सो यू नो यू कैन जज द क्वालिटी ऑफ द फ्रंट कैमरा बाय लुकिंग एट दीज फोटोज। आई जस्ट यू नो ब्रिंग इट क्लोजर टू द कैमरा। तो Vivo ने इस फोन के इंडिया में दो वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं, सो देयर इज वन ऑफ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज स्पेस विच इज प्राइस्ड एट 23,990 इंटरनेशनल रुपीज, एंड देयर इज अनदर वन विच आई एम करंटली होल्डिंग इन माय हैंड्स राइट नाउ। सो ये वाला जो वेरिएंट है ये आपको 12GB रैम देता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद 256GB स्टोरेज स्पेस। तो इसके प्राइस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 26,990 इंटरनेशनल रुपीज। So that's all folks, this is all about iQOO Z5. Thank you so much for watching our video.